जवान देखें आप, मैं क्या बताऊं आपको, इनकी तो शोहदा की तस्वीरों को देखकर रश खाता है, रश खाता है। किस वादी के अंदर है ये जवान? खुद हमारे अपने माशरे के भी बहुत लोग जवान हैं, ऐसे ऐसे लोग के बहरहाल जिन्होंने कुर्बानियां दी, शहीद हुए। हमारे अपने उस्ताद सिप्त जाफर की मिसाल देख लें आप, सारी जिंदगी खलूस इखलास। SMS पे मजलिस पे आ जाना, फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं है आपको, प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है, हमसे तो आया नहीं जाता, गाड़ी ना आए दो तीन, मोटरसाइकिल पे आ गए, वही शर्ट पहनी हुई। अल्लाह अकबर, कैसा अहाता है आज उस्ताद का। हर कोई कोशिश करता है कि मैं कहूँ मेरे भी उस्ताद थे, मेरे भी उस्ताद थे। कैसा उस्ताद है, अल्लाह, वादी कोई और है, वो वादी कोई और है। उस वादी में जो रह रहा है उसे दुनिया नहीं है, वो तो किसी और वादी में है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अज़ाने मौत, जब तक उस वादी में नहीं जाएंगे नहीं पहुंच सकते इमाम तक, याद रखिएगा। करबला हमें हर साल उसी वादी की दावत देती है, उस वादी की तरफ लेकर आती है। हम उस वादी में आए, पहचाने, रुकावटों को दूर करें। अभी जिंदा है, अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, रुकावटें अगर इबादत सही नहीं है, इबादत सही करें। वाजिबात वाजिबात है। अतुल्ला उज़्मा बैजत से पूछा कि क्या करें इरफान पे कमाल पे पहुंचने के लिए, कहा वाजिब अंजाम दो, हराम को छोड़ दो। कहा बस इतना? कहा यही कर लो, बहुत बड़ी बात है। वाजिब वाजिब क्या है? वाजिबात नमाज भी है, बहुत सारी और भी वाजिबात है। माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी निगाह से देखना इबादत है, माँ बाप के चेहरे को। क्या हमने कभी अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत भरी निगाह से देखा? अल्लाह।